अच्छा लगता है पुटनी प्रखंड के किसान भाई कहूँ तो गलत नहीं होगा, आचार है और अलग लेवल है। पिछले 40 सालों से शिक्षा देने का काम को अंजाम दे रहे हैं। खाना तिवारी से सर जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ताली इसलिए लगाई क्योंकि हमारे गुरु भी हैं। नाम मेरा, मेरा नाम एस के पासवान। आज हम सभी एक छोटे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यहाँ लोगों की जो उपस्थिति है वो बहुत कम है, लेकिन ये कार्यक्रम इतना बड़ा है क्योंकि हमारे शहर छत्तीसगढ़ से होकर के इस बिहार की धरती पर आए हैं। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ आकर इस बिहार की धरती को गरिमा में बनाया। और हमारे जो नाम बाबू हैं जो एक इंजीनियर ही नहीं है, एक साइंटिस्ट आदमी, ये बहुत कमी देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति साहित्यकार भी हो और वह एक इंजीनियर भी हो, क्योंकि दोनों दो फैकल्टी से आता है और ये दोनों फैकल्टी को फॉलो करते हैं। यह अपने आप में एक गर्व की बात है। मैं तो इनका शिक्षक रहा हूं, बचपन से इनके अंदर कुछ न कुछ नए करने का सोच रहा है, चाहे वर्ग में हो वर्ग के बाहर हो, ये हमेशा थिंकिंग मोड में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। इंसान, हर इंसान कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ सोचता है, लेकिन कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है। इन्होंने स्वच्छ भारत की सोच को चरितार्थ करते हुए जो सर बताए कि जिसको हम कचरा समझकर फेंक देते हैं उसको इन्होंने पटोर मिलाया, कप प्लेट थाली और भी कई चीज का उत्पादन कर रहे हैं जो देखने में भी बेहतर है और काम की चीज है और इससे प्रदूषण को बिल्कुल होता ही नहीं है। और जो मक्का की खेती करते हैं उनके लिए भी जो कचरा है जिसको फेंक देते हैं, कहीं जला देते हैं, जलाने पर भी इससे प्रदूषण ही होता है, धुआं निकलता है, उसको इन्होंने यूज में लाकर समाज के बीच एक नई सोच को रखा और इस सोच के बदले हम प्रदूषण को दूर कर रहे हैं। इसलिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी सोच को हम नमन करते हैं। ये तो हमारे स्टूडेंट है, एक काम बहुत बड़े किए हैं, इसीलिए धन्यवाद के पात्र हैं, सराहे हैं। मैं विशेष समय नहीं देना चाहता हूँ, सर अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी वाणी को ले